देख देख रिवाइव रिवाइव दे जल्दी। चल चल हेड कर तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ लीवाई, आ चुके वापस और एक नए वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज हम प्लेन के रूट के हिसाब से यासना में उतरे थे और यहाँ पर थोड़ी लूट लाट करके हम शेल्टर की ओर बढ़ रहे, क्योंकि हमारे में से एक बंदा जो है शेल्टर की तरफ उतर के नॉक फिनिश हो चुका था, तो हम उसका बदला लेने जा रहे हैं वहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं मुझे एक बॉट दिख जाता है जिसको मैं सक्सेसफुली नॉक कर लेता हूँ, लेकिन मेरा किल कन्फर्म नहीं हो पाता क्योंकि आगे वाली स्क्वाड जो है उसको चुरा लेती है। अब मैं उसका किल कैसे वसूलता हूँ उनकी बूंद फाड़ के अभी आपको पता चलेगा आगे। तो जैसे ही इसमें सामने वाले बंदे को नॉक करता हूँ, उसका पार्टनर जो है उसको रिवाइव करने के लिए दौड़ता है और हमारी डीपी जो है हम स्विच करके उसको उजी से आसानी से गिरा देते हैं। अभी उनका शायद से एक ही पार्टनर बाकी था, तो जल्दी से जाते हैं और सालों को ख़त्म कर डालते हैं। सामने वाले बंदे को हमने बहुत हद तक डैमेज दे दिया था, लेकिन हमारी जो है उजी रिलोड पर लग गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े आराम से हमने उसको भी नॉक कर दिया। अभी हमारे पार्टनर ने उसको फिनिश करके हमारे हो चुके हैं यहाँ पर आसानी से 2 किल। तो जैसे ही हम यहाँ पर गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ ही रहे होते दूसरी जगह पर जाने के लिए, उतने में ही हमारे ऊपर कोई सांप जो है फिर से डंक मारने की कोशिश कर रहा था दूर से। उस बंदे के मैं लोकेशन ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कुछ दिखता नहीं मुझे। तो मेरे पार्टनर के पास थे M24, तो मैं बोलता हूँ भाई तू मेरे तरफ से एटेक्स रख ले। तो जैसे मैं उसको एटेक्स देखता हूँ, मुझे लेफ्ट साइड से फुटस्टेप आती है और मेरे सामने रहता है एक बंदा जो कि एक बॉट रहता है। मैं मुझे लगा था कि वो बंदा, इसलिए मैं प्रोन हुआ था। और एक बंदा जो सामने से फुटस्टेप आ रहे थे वो भी जो है बेसिकली एक बॉट निकलता है, और उसी के साथ हमारे हो चुके हैं यहाँ पर 4 किल। फ्री के किल भाई कौन छोड़ेगा भाई, केडी बढ़ रही है हमारी। तो यहाँ पर फाइट होने के बाद हम जैसे ही निकल रहे थे, तो उतने में उस सांप ने हमारे पार्टनर को जो है डस लिया, तो उसको बचाने के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पर जैसे मैं रिवाइव देने जाता हूँ, हमारा पार्टनर उसको ख़त्म कर डालता है। भाग रहा था नॉक करके पूरा। तो फाइनली हमने इस जगह को कर लिया है साफ, और इसी के साथ हम आ चुके हैं यहाँ पर ड्रॉप लूटने। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या है ड्रॉप में। तो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं M249। तो जैसे ही मैं M249 पे स्कोप अपना सेट कर ही रहा होता हूँ कि उतने में ही मेरा पार्टनर बोलता है कि भाई वहाँ से बंदों की गाड़ी आ रही है, तो मैं उन पर M249 का स्प्रे मारता हूँ। जो कि नाकामयाब होता है, लेकिन M4 से हम ऐसा स्प्रे मारते हैं सालों को जिससे उनका पूरा स्क्वाड जो है फिनिश हो जाता है। और लकीली जो ये 7वां किल भी जो है हमें ही मिल गया। तो बहुत घूमने के बाद हम आ चुके हैं वापस यासना में, क्योंकि हमने इरंगल की बहुत गेड़ी लगाई, लेकिन हमें एक भी स्क्वाड या फिर कोई बंदा मिला ही नहीं। लेकिन भकाभक जो है बंदे गायब हो रहे थे किल फील्ड में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम ये मेन बिल्डिंग में आ गए, इसको ऐसे स्टेशन बोलते हैं, मुझे भी ध्यान से पता नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पर छत पे चढ़ता हूँ और थोड़ा यहाँ वहाँ टहलता हूँ, मुझे बग्गी की जो है एक साउंड आती है जो कि सामने वाले रोड से भागने की कोशिश कर रहा था। तो भी उसको हम कैसे गिराते हैं अभी देखिए आगे। इस बंदे को ख़त्म करने के बाद अभी बाकी तो सिर्फ एक ही स्क्वाड। तो अब हमारे टीम में जो रैंडम बंदा है पटना का, अभी उसकी आप बिहारी वाली फनी एक्सेंट सुनिए, अब आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। देखने देख सामने जा रहा है।
यहाँ से। तब अपना मुंडी बचा के रख दिया, तो हेडशॉट लगेगा डायरेक्ट। मुंडी मुंडी सर, कहाँ से हो? अरे हम भी तो पटना ही थे भाई। तो इतनी सारी गोलियों की बरसात करने के बाद भी भाई एक भी बंदा नॉक नहीं हुआ, और पहली गाड़ी जो थी वो बीच में जो स्टक हो गई थी, साला कौन सा ग्लिच था पता नहीं, लेकिन दूसरी बार हमने बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया था उनको। अभी आपका भाई उन तीनों के बुंड में कैसे भोकाल मचाते अभी देखिए। अब आगे चल चल अगर गाइज आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आपको ये जो स्प्रे अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज के वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं बस 15 लाइक्स, बहुत ही कम है, आप कर दोगे मुझे मालूम है। तो मैं इस आखिरी बंदे पर जो है स्मोक डालने की कोशिश करता हूँ और उसको उकसाने की कोशिश करता हूँ, जिससे वो आता तो नहीं बाहर, तो हम सीधा तीनों पुश कर देते हैं, लेकिन मैं दरवाजे पर फंस जाता हूँ। भाई ये चूहे की तरह मरा भाई आखिरी बंदा, मारा अंदर मरा बाहर जाकर। और इसी के साथ हो चुका है हमारा आज का चिकन डिनर। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, अच्छा लगा नहीं लगा सब बताएगा आपका ओपिनियन, मैं इम्प्रूवमेंट लाने की और कोशिश करूँगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार गेम प्लेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नए हो तो। चलो गाइस मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।